क्या आप भी इतना परेशान हैं कि लॉन्ग आंसर कितने पेज पर लिखे जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि लॉन्ग आंसर कम से कम कितने पेज का लिखे, शॉर्ट आंसर कितने पेज का लिखे और कॉपी चेक करते समय टीचर किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है इसलिए क्योंकि मैं ये तो बताऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चंस कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस बारे में तो बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हम अपने चैनल पर कुछ अपडेट्स हुई हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों जब भी पेपर नज़दीक आते हैं तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि हम किस तरह से लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से लिखें, उसके जो आंसर है वो कितने पेज पर लिखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें नंबर मिल सके। तो मैं आपको बता दूं कि बीएड में एक लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर का आता है। 16 नंबर थोड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी ही वजह से आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन तो करना होगा, लेकिन इस चक्कर में हमें लगने लगता है कि जितना बड़ा हम आंसर लिखेंगे उतने ज़्यादा हमें नंबर मिलेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ इसका भी जवाब मैं आपको आगे वीडियो में दूंगी, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। शुरुआत को ही देखकर आप किसी भी निष्कर्ष पर, किसी भी कंक्लूजन पर मत पहुँचिएगा। एंड तक आप मेरे रीजंस को सभी को जब सुनेंगे तो ही आप फेयर डिसीजन पर पहुँच पाएंगे। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन तो पूरा करना है, जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका केवल और केवल 4 से 5 पेज का लगभग होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा छोटा ना हो, अंदाज़ा जो पेज का एवरेज होना चाहिए वो 4 से 5 पेज का होना चाहिए। 4 से 5 पेज में आपका आराम से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान ये रहे कि क्वेश्चन में जो पूछा जाए उतना ही लिखें और उस पर फोकस ज़्यादा रखें। कई बार ऐसा होता है कि पेज की संख्या बढ़ाने के लिए हम कुछ भी एक्स्ट्रा भर देते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में जो हमारा मेन पॉइंट होते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो नहीं लिख पाते इतनी अच्छे से जितना कि हम एक्स्ट्रा लिख देते हैं उससे पहले की कहानी। मान लो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए, या महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार क्या क्या थे उनको एक्सप्लेन कीजिए, तो हम क्या है क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए पहले हम पूरे महात्मा गांधी का जीवन परिचय लिख देंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखना होगा कि आपको वहाँ जीवन परिचय नहीं पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि महात्मा गांधी के शिक्षा के संबंध में क्या विचार थे, एजुकेशन के लेकर उनके क्या थॉट्स थे। तो आपको जीवन परिचय तो देना है लेकिन ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में 5-6 लाइन में आप उनका एक बहुत ही छोटा सा एक जीवन परिचय दे दीजिए कि उनका जन्म कब हुआ और उनकी शिक्षा वगैरह का थोड़ा सा आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप उनका दे सकते हैं 4-5 लाइनों में। उसके लिए आपको पूरा 1-2 पेज भरने की ज़रूरत नहीं होती है, वरना अधिकतर बच्चे यही करते हैं कि इंट्रोडक्शन में ही उनके जीवन परिचय में ही 2 पेज भर देते हैं। तो टीचर्स क्या होता है स्टार्टिंग में जब वो 1-2 पेज देखेंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो कोई नहीं पढ़ेगा ये तो गारंटी है, आप 4 पेज का लिख रहे हैं इतनी कॉपी उनको चेक करनी है तो पूरा क्वेश्चन तो नहीं पढ़ेंगे, वे क्वेश्चन में सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स देखते हैं कि आपने लिखा क्या है और जहाँ आपकी गलती हो सकती है उस पर उनका फोकस ज़्यादा रहता है उन्हीं मेन पॉइंट्स को। तो जब वो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कि 2 पेज आपने उसी में भर दिए तो उनको पता चल जाएगा कि आंसर का जो मेन फोकस है वो जो पूछा गया है वो तो बताया ही नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा भर दिया। तो ये ध्यान रखिए कि जो आपसे पूछा गया है उस पर मेन फोकस रखिए और लिमिटेड लिखिए। 4 से 5 पेज में आपका एक क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। अब ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ इसका भी रीज़न आप सुन लीजिए। दोस्तों जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि बीएड में केवल एक कॉपी ही दी जाती है एग्ज़ाम के टाइम पे, जिसमें आपके 32 पेजेस अराउंड होते हैं, किसी में 30-32 अराउंड पेजेस उसमें होते हैं। इससे अलग आपको कोई भी एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड नहीं कराई जाती। क्यों? क्योंकि टीचर्स भी यही चाहते हैं कि आप सिर्फ जो पूछा जाए वो लिखें, एक्स्ट्रा पेजेस ना भरें, क्योंकि पेज भरने के मामले में तो हम भारत सबसे आगे हैं और एक दूसरे के हम सिर्फ एग्ज़ाम कैसा गया सिर्फ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कॉपी कितनी भरी है। आप खुद सोचिए जब हम एग्ज़ाम से निकल के आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ये होता है, जब हमें जहाँ एक्स्ट्रा शीट्स मिलती हैं कुछ एग्ज़ाम्स में तो वहाँ सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है भाई कितनी कॉपी भरी तूने। तो हम कॉपी के अंदाजे से भाई 4 कॉपी भर दी तो इसका मतलब पेपर अच्छा गया है, भले ही उसने उन 4 कॉपियों में कुछ ना लिखा हो। और एक बंदा ऐसा है जिसने 2 ही कॉपी भरी है लेकिन उसमें पूरा रिलेवेंट मैटर लिखा है, पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैटर लिखा है जो कुछ पूछा गया था, तो उसके नंबर ज़्यादा आएंगे बजाय उसके कि जिसने 4 कॉपी भर दी लेकिन उसमें जो मैटर था वो कुछ भी
रिलीवेंट नहीं था, इरिलीवेंट मैटर बाहर से कुछ भी अपनी तरफ से बनाकर लिख लिया। तो ऐसा नहीं करना है, मेन फोकस जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, जैसे एग्जांपल गांधी जी के क्वेश्चंस का ही लिया था, तो हम उसमें मेन फोकस गांधी जी के शैक्षिक विचारों को ही रखेंगे। शैक्षिक विचारों को हम जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना एक्सप्लेन हम अच्छे से करेंगे। तो आपको 32 पेज की जो आपको कॉपी मिलती है उसी में ही आपको लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट जो भी करना है आपको उसी में ही करना होता है, एक्स्ट्रा आपको कोई भी शीट नहीं प्रोवाइड कराई जाती। तो आप स्टार्टिंग से ही अगर एक अच्छे वे में चलेंगे और मेन उस पर कंटेंट पर फोकस रखें, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कॉपी भरने की, कितने पेज भरे गए, मेरे तो 30 के 30 भर गए, मेरे पूरी कॉपी भर गए, मेरे तो 20 ही पेज भरे, तो इन सब से कोई टेंशन नहीं है। बस जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं वो आप लिखिए, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4-5 पेज के अराउंड हो जाना चाहिए, और अगर बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की तो वो भी 2 पेज पर आराम से आ जाता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। क्योंकि जो टीचर्स हैं, वो जो एग्जामिनर्स हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेन पॉइंट्स आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड रखा है कि नहीं, आपको उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी है कि नहीं, तो वो सिर्फ आपकी यही चेक करते हैं। तो लास्ट में बस यही कहूँगी कि जो पूछा जाए वही लिखिए, एक्स्ट्रा इरिलेवेंट मैटर तो बिल्कुल भी मत ना लिखें, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे क्या होगा आपके जो मेन क्वेश्चन है वो भी कभी कभी छूट जाते हैं। अब बात करते हैं चैनल के अपडेट्स की, चैनल का अपडेट्स क्या क्या है। चैनल के अपडेट्स की बात करें तो दोस्तों अभी हमने एक चैनल बनाया है टेलीग्राम पे, जिसमें आपको सारी पीडीएफ्स जो जो भी हमारी वीडियोस आपके सामने आती रहती है उसकी पीडीएफ्स आपको वीडियो आने के 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सभी पीडीएफ्स के लिए जितने भी लेसन प्लान हैं, मैक्रो लेसन प्लान है, एसएसटी के, इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के, मैथ्स के, तो सभी के पीडीएफ्स वगैरह जो भी हैं वो धीरे धीरे उस पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ फेसबुक पेज का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसको भी आप लाइक कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आगे आने वाली जो भी वीडियोस बनाऊं वो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में कुछ इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए।